आज की कहानी है बिन ब्याही बेटी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ज्योति ने जब पायल से विवाह की बात दोबारा छेड़ी तो पायल ने कहा, क्यों मजाक करती हो, इस उम्र में मैं शादी करूंगी, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी ज्योति ने कई बार पायल से विवाह की चर्चा की थी और आज फिर कहा। पायल, अपने बारे में सोचो, आधा जीवन अकेले काट लिया, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारे अकेलेपन में कोई आया तुम्हारा हाल पूछने, लोगों का क्या है, वे तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। शादी नहीं हुई तब भी और हो जाएगी तब भी, कहने दो जिसको जो कहना है। इसके बाद ज्योति अपने घर चली गई। दोस्तों, ज्योति और पायल दोनों सहेलियां थी और एक ही कॉलोनी में रहती थी, जहां पर ज्योति विवाहित और दो बच्चों की मां थी, वहीं पर पायल 45 की उम्र में भी कुंवारी थी। ज्योति के जाने के बाद पायल ने खुद को आईने में देखा, ठीक उसी तरह जैसे वह 20 साल की उम्र में खुद को आईने में निहारा करती थी, बालों को कई बार संवारा करती थी। लेकिन इधर कुछ सालों से पायल आईने को मात्र बालों में कंघी करने के लिए झटपट देख लिया करती थी। पिछले कई सालों से उसने खुद को आईने में इस तरह नहीं देखा था जैसे आज देख रही थी। ज्योति शादी की बात करके गई तो पायल ने स्वयं को आईने में एक बार निहारना चाहा। आधे पके हुए बाल, चेहरे का खोया हुआ जादू, आंखों के नीचे काले गड्ढे, पायल तो अपने आप को संवारना भी भूल गई थी। आज फिर संवरने का ख्याल आया, मगर आईने में झांकते हुए वह अपने अतीत में खो गई। जब पायल 20 साल की थी तब पिता की असमय मृत्यु हो गई थी। पायल भी जवान होती लड़कियों की तरह स्वयं को भी आईने में निहारती रहती थी। माँ को पेंशन मिलने लगी, लेकिन किराए के मकान में दो बेटियों और एक बेटे के साथ माँ को घर चलाने में समस्या होने लगी। दो लड़कियों की शादी और बेटे को पढ़ा लिखा कर रोजगार लायक बनाना माँ के लिए कठिन प्रतीत हो रहा था। पायल कॉलेज में थी और 5 साल छोटा भाई रवि अभी स्कूल में था। पिता की मृत्यु के बाद पायल ने नौकरी के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह घर के हालात समझती थी और माँ का हाथ भी बटाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद पायल की नौकरी लग गई, वह शिक्षा विभाग में क्लर्क बन गई। पायल को समझ ही नहीं आया कि नौकरी उसके लिए वरदान था या श्राप। माँ ने भाई बहन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। अब तो अगर पायल के लिए रिश्ते आते तो माँ मना कर देती, कहने लगती पहले छोटी की शादी हो जाए और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके बाद पायल की शादी के बारे में सोचूंगी। जब पायल की कमाई घर आने लगी तो भाई बहन के शौक भी बढ़ गए। माँ भी दिल खोलकर खर्च करती थी। पायल ने भी भाई बहन और माँ की इच्छाओं को हमेशा पूरा किया। 20 बरस की पायल की जवानी शुरू होते ही खत्म सी हो गई। अब उसे एक ही सबक माँ बार बार सिखाती, बेटी अब तुम्हें अपने लिए नहीं अपने भाई बहन के लिए जीना है। दोस्तों, यह सच है, जरूरतें व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है। पायल को ऑफिस में देर हो जाती या ऑफिस का कोई घर छोड़ने आता तो माँ उससे 50 सवाल करती, पायल क्या बात कर रही है, वह कौन है। माँ की नजरें और कान इसी पर लगी रहती। माँ कहती, बेटी यह ठीक नहीं है, कोई प्यार की बीमारी मत पाल लेना, तुम कमाऊ लड़की हो, तुम्हारे सामने तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, लेकिन बेटी इतना ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, फिर भी यदि करना ही चाहो तो कोई क्या कर सकता है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, हम अपना देख लेंगे, या कहते हुए माँ की आंखों में आंसू भर आते। तो पायल को कई प्रकार से समझाते हुए कसम खानी पड़ती कि माँ, मैं जब तक भाई बहन को किनारे नहीं लगा देती तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीता,
पायल जब 30 वर्ष की हुई तब रुचि की शादी हुई। रिश्ते बहुत आए लेकिन रुचि को पसंद नहीं आए। रुचि के अपने सपने थे इसीलिए उसके सपनों का राजकुमार खोजने में 1 दशक लग गया। पायल जब उसे समझाती कि हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं, इतने बड़े सपने मत देखो, अपने बराबर वालों में से किसी को पसंद कर लो, तो पायल की बात पर माँ कहने लगती, बेटी समय लग रहा है तो क्या हुआ, रुचि को लड़का पसंद तो आना चाहिए, मन मार कर शादी करने का क्या अर्थ है, तुम्हें रुचि की शादी की इतनी जल्दी क्यों है। इस पर पायल चुप हो जाती थी। आखिरकार काफी खोजने के बाद खाते पीते घर के इंजीनियर से रुचि की शादी तय हुई तो उसके मुताबिक खर्च भी करना पड़ा। पायल को अपने पीएफ के अलावा विभागीय लोन भी लेना पड़ा। विवाह में अच्छा खासा खर्च हुआ, इस वजह से उसे 5 साल अपने वेतन से लोन चुकाना पड़ा। जब पायल के लिए कोई रिश्ता आता तो माँ यह कहकर ठुकरा देती कि बस भाई अपने पैर पर खड़ा हो जाए, फिर माँ बेटे मिलकर पायल के हाथ पीले करेंगे। इसके बाद पायल ने आईना देखना छोड़ दिया, बस झट से कंघी करके पीछे चोटी कर लेती। स्वयं को जी भर कर देखना ही भूल गई थी। छोटा भाई अनुज बीटेक कर रहा था, पढ़ाई में होने वाला खर्चा पायल को ही प्रतिमाह भेजना पड़ता था। शुरू में तो अनुज भी फोन पर अक्सर पायल से कहता, दीदी एक बार मुझे नौकरी मिल गई फिर आपकी शादी धूमधाम से करूंगा, लेकिन नौकरी मिलते ही वह अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। इधर माँ की इच्छा थी कि एक बार बहू का मुंह देख लूं तो समझो गंगा नहा लिया, फिर कोई परवाह नहीं। पायल के विषय में ना तो माँ ने सोचा और ना ही भाइयों ने सोचा। पायल को दुख तो हुआ लेकिन माँ के कई कड़वे घूंट की तरह वह इसे भी पी गई। इधर छोटे भाई अनुज की नौकरी लगते ही उसके शादी के प्रस्ताव आने लगे। जब माँ अपने तौर तरीके से किसी लड़की को शादी के लिए पसंद करती तो रवि के नखरे शुरू हो जाते। इधर धीरे धीरे पायल 40 साल की हो गई। अपनी शादी के बारे में उसने ना जाने कब से सोचना बंद कर दिया। अनुज की शादी हुई तो अपनी पत्नी को लेकर वह मुंबई चला गया और कुछ महीनों बाद माँ चल बसी। माँ की मृत्यु के बाद पायल अकेली रह गई। भाई बहन फोन करते या कभी कभार मिलने भी आते तो अकेली कमाऊ बहन के कुछ देने के बजाय उससे ही आर्थिक मदद मांगते। इसी बीच पायल का तबादला दूसरे शहर में हो गया। इस नए शहर में उसे ज्योति जैसी सहेली मिली। ज्योति को जब पायल के बारे में पता चला तो उसने समझाया, ठीक है पायल, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब तो सोचो अपने बारे में। पायल कहती, यार मेरी उम्र 45 साल के आसपास है, इस उम्र में अगर मैं शादी करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे। ज्योति कहती, पायल अब इस जंजार से बाहर निकलो, तुम्हारे बारे में किसने सोचा, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब क्या तुम्हारे भाई बहन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, या अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाने वाली हो। इससे पहले कि भाई बहन अपना बच्चा या कहकर तुम्हारे पास छोड़ जाए कि बहन तुम अकेली हो, मेरे बच्चे को रख लो, आपका मन लगा रहेगा और आपकी देखभाल भी हो जाएगी, अच्छा होगा, तुम अपना नया जीवन शुरू कर दो। पायल ने स्वयं को काफी देर तक गौर से आईने में निहारा। उसे लगा जैसे जिम्मेदारी के नाम पर अपने लोगों ने उसके साथ छल किया है, लेकिन शिकायत करे तो किससे करे, वह कमाती थी इसीलिए जिम्मेदारी भी उसी की बनती थी। उसने तय किया वह आज ही ब्यूटी पार्लर जाएगी। इसी बीच ज्योति ने एक अधेड़ युवक से पायल का परिचय करवाया था। युवक के चेहरे पर जिंदगी के पूरे निशान मौजूद थे।
करीने से कटे और रंगे हुए बाल उम्र को मात देने की भरपूर कोशिश करता हुआ उसका क्लीन शेव चेहरा और जींस टी शर्ट पहने हुए पूरी जिंदगी दिली से साथ जीता हुआ वह युवक रमेश था। पहला विवाह असफल हो चुका था, चोट के निशान तो अभी भी जीवन पर थे, मगर भरपूर जिंदगी जीने के लिए मरहम पट्टी के साथ मुस्कुराता चेहरा था। अच्छी नौकरी करता था जो पायल से विवाह के लिए तैयार था और कई बार पायल से मिल भी चुका था, लेकिन पायल के मन में मोती बिखर चुके थे। वह हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देती, लेकिन आज जब उसने स्वयं को आईने में निहारा तो अमृत की चंद बूंदे उसके चेहरे पर झलक रही थी। दोस्तों, जीवन तो हर अवस्था में खूबसूरत रहता है, बस अपना अपना समझने का नजरिया अलग होता है। इसके बाद पायल ने ज्योति को फोन किया। ज्योति, मैं विवाह के लिए राजी हूँ। यह सुनकर ज्योति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पायल ने जब यह खबर अपनी छोटी बहन रुचि और छोटा भाई रवि को बताई तो दोनों ने मिली जुली बात ही कही। अरे दीदी, इस उम्र में शादी करोगी? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आपको सहारा ही चाहिए तो मैं अपने बेटे को भेज देती हूँ। पायल ने कहा, मुझे सहारा नहीं चाहिए बल्कि जीवन साथी चाहिए। मुझे जीना है अपनी खुशी के लिए, अपने लिए। यह सुनकर रुचि और रवि कुछ पल खामोश रहे। उन्हें अपने स्वार्थ का एहसास होने लगा। फिर दोनों ने कहा, दीदी हम आपके विवाह में शामिल होने के लिए कब आएं? पायल ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी ही खबर करती हूँ। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अगर कोई आपके विषय में सोचे यह अच्छी बात है, अगर ना सोचे तो तुम्हें स्वयं अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी खुशियां तलाशने का हक हर किसी को है।